सिद्धार्थनगर के एसपी की पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, कोतवाल समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल में युवक की मौत के बाद एक्शन लिया गया है। विसर्जन के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई हुई है। प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह को निलंबित किया गया है। सिपाही रविंद्र कुमार दुबे, सूर्यकांत निषाद, विवेक शर्मा जिन्हें निलंबित किया गया है, सिपाही शहजाद अली को भी निलंबित किया गया है। दरअसल मूर्ति विसर्जन के दौरान एक शख्स की मौत हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ड्यूटी में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई। प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह को बहरहाल निलंबित किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए ये कार्रवाई हुई है सिद्धार्थनगर के एसपी की पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई। ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की, किसी भी कीमत पर ड्यूटी से कोताही नहीं बरती जाएगी और अगर ऐसा पाया गया तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बवाल का मामला सामने आया था और इस बवाल में एक शख्स की जान चली गई थी, युवक की जान चली गई थी। ऐसे में लापरवाही पाई गई है पुलिस की, इस पर एसपी ने एक्शन लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।